नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज और झारखंड की सुपर 25 खबरों के साथ मैं हूं दुबात्रा। दर्शकों, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी अपील हम करना चाहते हैं। आज के समय में ईमानदार पत्रकारिता करनी है तो हमें आपका सहयोग चाहिए होगा, तभी हम निर्भीक और सच्ची पत्रकारिता कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन नहीं करते हैं और आगे भी हम ऐसे ही बने रहना चाहते हैं। लेकिन राजनीतिक रूप से तटस्थ और निष्पक्ष होना इन दिनों एक महंगा मामला है, इसलिए आप स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें और हमें आर्थिक मदद करें। और अब आइए बढ़ते हैं आज के खबरों की ओर। वह कोरोना गाइडलाइन के बीच मनी ईद मिलादुन्नबी नहीं निकाला गया जुलूसे मोहम्मदी। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को दूसरी बार गिराने की साजिश का हुआ खुलासा। घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन ने प्रलोभन देने वालों पर ठोका केस। जुबली पार्क चौक पर तेज रफ्तार अनियंत्रित एम्बुलेंस वाहनों को रौंदते हुए सड़क के किनारे घुसी, मची अफरा तफरी। जमशेदपुर के साक्षी थाना क्षेत्र स्थित बैतरनी रोड के कंडम क्वार्टर में सोमवार की रात पुलिस की पेट्रोलिंग वाहन ने ब्राउन शुगर पी रहे चार युवक समेत एक युवती को दबोचा। फेसबुक पर हुए दोस्ती के बाद हुए प्यार का दिखा अंजाम। उत्तर प्रदेश से शहर पहुंचकर नाबालिग को लेकर फरार हुआ युवक। आदिवासी युवती से छेड़छाड़ में झारखंड कल्याण विभाग के पदाधिकारी श्रवण कुमार हुए गिरफ्तार। भारतीय एएक्सए लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारी पर लगा आईएमए के कोषाध्यक्ष के साथ 14 लाख की ठगी करने का आरोप। ईद मिलादुन्नबी को लेकर प्रशासन दिखी मुस्तैद, सिटी एसपी और एडीएम ने किया निरीक्षण। पाकुड़ में कांग्रेस ओबीसी प्रकोष्ठ की ओर से कार्यकर्ता सम्मेलन का हुआ आयोजन। कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर काम करने की गई अपील। बेमौसम बरसात ने किसानों की तोड़ी कमर, किसान हुए चिंतित। जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र में एक अधेड़ व्यक्ति ने निर्माणाधीन मकान में फांसी लगाकर की आत्महत्या, क्षेत्र में सनसनी। लोहरदगा में सिंचाई कुप से मिला नाबालिग का शव, दो दिन पूर्व प्रेमी ने मांग में भर दिया था सिंदूर। देवघर में 25 वर्ष से नहीं खुला कल्याण छात्रावास का ताला, सरकारी राशि का किया जा रहा है दुरुपयोग। रांची में धूमधाम से मनाई गई ईद मिलादुन्नबी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड वासियों को दी बधाई। चिरकुंडा नगर परिषद के पार्षदों ने गड़बड़ियों के खिलाफ खुला मोर्चा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन। राष्ट्रीय थ्रोबॉल प्रतियोगिता के लिए चयनित खिलाड़ियों को भरत कांसी ने किया सहयोग। पूर्व मंत्री डॉक्टर सबा अहमद के बेटे का हुआ निधन। मुंबई में मल्टीनेशनल कंपनी में थे कार्यरत। गया हावड़ा रेलखंड पर दो हाथ से मुगमा में थमे राजधानी के पहियों, तो वहीं कोडरमा के पास एक की गई जान। झारखंड के मजदूरों से मारपीट होने का मामला आया सामने। अभी भी हिमाचल के किन्नौर में फंसे हैं राज्य के 90 श्रमिक। हफीजुल हसन हंसारी का बयान, कहा गुड्डा के विकास को लेकर सरकार है प्रतिबद्ध। झारखंड जदयू प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो ने पार्टी की नई कमेटी का किया विस्तार। लगातार बारिश से लड़खड़ाया कोल इंडिया का उत्पादन और डिस्पैच, फिर पावर प्लांट में कोयला संकट की मिली चेतावनी। समापन समारोह में जिम्नास्टिक खिलाड़ियों ने किया चकित कर देने वाला प्रदर्शन। पलामू के हैदरनगर में पूजा समितियों पर दर्ज प्राथमिकी के विरोध में तीसरे दिन भी बाजार रहा बंद। सीएनजी बन रहा है पेट्रोल का विकल्प, कीमतों में है 26 रुपए का अंतर। पेट्रोल छोड़ सीएनजी को अपनाने पर दे रहे हैं लोग जोर। तो आज के लिए बस इतना ही।